अदा में, लचक में, लोच में क्या फर्क है और क्या संबंध है, तो बड़ा ही मेरे लिए चुनौतीपूर्ण भरा एक किरदार रहा और मैंने किया। और इनका जो समुदाय है, जो एक समाज है किन्नरों का, ये बहुत ही समाज से उस तरह से एक उपेक्षित समाज है, लेकिन आज की तारीख में, आज जो समय चल रहा है, इस समय में बहुत आगे हैं ये। आज अर्ध कुंभ जो लगा है प्रयागराज में, वहां भी इनका महामंडलेश्वर है और उनका कैंप लगा है, ठीक से उनके साथ पेश नहीं आते हैं। और सो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो बाप का, ग्रैंडफादर का रोल है, ये एक तरीके से विलन है इस पिक्चर में, और इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे हीरो के लिए। लेकिन इस कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होना था तो वो हमने किया। और अब मैं ये बताना चाहूंगा कि साहब, ये पिक्चर जो है, हमारे पास हमारे सुरेश शर्मा जी आए थे और हमारे डायरेक्टर साहब आए थे, कश्यप साहब, धीरज साहब आए थे, और उन्होंने हमको जब ये सब्जेक्ट सुनाया था तब हमने इनसे एक बात कही थी कि साहब, हो सकता है तो ये पिक्चर एक क्लासिक बन जाए और हो सकता है कि आपको एक नेशनल अवार्ड मिल जाए। और मैंने इसलिए इन सब लोगों से ये कहा था, एक रिक्वेस्ट करी थी कि साहब, इस पिक्चर को जरा प्यार से बनाना, क्योंकि इस पिक्चर में बहुत गुण हैं और ये पिक्चर बहुत आगे तक जा सकती है। और बड़ी खुशी के साथ हमने ये पिक्चर करी है और हम चाहते हैं कि आप लोग इस पिक्चर में, पिक्चर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से जितना हो सके वो आप लोग करें, क्योंकि इस पिक्चर के माध्यम से एक हमारे यहाँ जो कम्युनिटी है जिसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता आ रहा है पिछले मेरे ख्याल से हजारों साल से, उसको जरा कम करना है। डेढ़ घंटा तो लग ही जाता था, क्योंकि एक स्त्री का रूप धरने के लिए इतना आसान तो है नहीं। तो मेकअप करते थे, फिर सजते थे, संवरते थे, कपड़े पहनते थे, फिर बाल बनाते थे, बालों का वो सब घुंघरदार बाल बनाना, फिर वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, कैसा लग रहा है, कहीं टेढ़ा तो नहीं हो गया, मेकअप कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया, तो पूरा एक अनुपात रखना पड़ता था और कुछ डेढ़ घंटे का समय लगता था तैयार होने में। आपके रोल के मतलब क्या रोल ले रहे थे? मेरे जो इस किरदार का नाम है वो है अमीना बानो। अमीना बानो किन्नरों की गुरु माँ है। किन्नरों में अपने गुरु को गुरु माँ कहते हैं, तो गुरु माँ है जो किन्नरों का देख रेख करती है और गुरु माँ की ही बातें मानते हैं वो लोग, गुरु माँ जैसा कहती है वैसा ही करते हैं, तो वो एक इस तरह का किरदार है। सर हमें तो समझ में नहीं आया सवाल क्या है। जो फिल्म में जो समस्याएं दिखाई गई वो सर असल में भी है? हाँ, होती है। तो किस तरीके से और इस फिल्म के जरिए आगे ले जाएंगे सर फिल्म को, कि लोगों के अंदर जागरूकता आए इस चीज को लेकर? हाँ, तो जब ये पिक्चर रिलीज होगी, लोग इस पिक्चर को जब देखेंगे तो वो देखेंगे कि उन्होंने भी वही हरकतें करी हैं जो इस दादा ने करी। दादा यानी कि जो हीरो है उसके बाप का बाप वो मैं बना हूँ, और हमने जो हरकतें करी हैं वो आज मेरे ख्याल से हर परिवार में हो रहा है। जिनके घर में अगर कोई किन्नर पैदा होता है तो वहाँ पे यही होता है कि उसको घर से निकाल देते हैं, कोशिश करते हैं, तो वही दिखा रहे हैं। जब लोग अपने आप को ऐसी हरकतें करते हुए देखेंगे साहब ऐसा हो रहा है, तो उनको थोड़ा क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन होगा और वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे होपफुली। कौन सुधरता है कौन नहीं सुधरता है हमारे देश में ज़रा मुश्किल ही है। Thank you.
पहली बार एक किन्नर की भूमिका की है और मेरे लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा ये इसकी तैयारी करने के लिए, कैसे तैयारी करें और तैयारी हो तो किस ढंग से हो। तो और समय भी कम था जब मुझे ये रोल मिला, समय भी कम था, मैं कहीं ऑलरेडी एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, आउटडोर में था। फिर मैंने हामी भरी और फिर चूंकि जब हम शूटिंग कर रहे थे, पहला शूटिंग कर रहे थे, तो कुछ 50-60 किन्नर यहाँ बम्बई आए हुए थे शूटिंग करने के लिए, मुंबई में छत्तीसगढ़ से, और मैं तैयार होके उसी तरह से बैठता था उनके बीच में शॉट के पहले, और मैं उनसे बातें करता रहता था, उनकी अदाओं को, उनकी लचक को, उनकी लोच को वो देखता रहता था, फिर पूछता रहता था, फिर वो मुझे परिभाषित करते थे कि ये लोच क्या है, ये लचक क्या है, ये अदा क्या है। तो वो हम क्योंकि खुद अभिनेता हैं, खुद एक किरदार की तैयारी करते हैं, लेकिन इतनी माइन्यूटली, इतना डिटेल कि उन लोगों ने मुझे बताया कि ये चीज़ें हैं, ये हम ऐसे बोलते हैं। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपको आवाज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अदाएं डाल दीजिए, वो सारी चीज़ें अपने आप मर्ज हो जाएंगी और उसका एक तारतम्य जब बनेगा अदा का, लोच का, लचक का और फिर बोलने का, तो वो उस तारतम्य में, उस लय में वो खुद आएगा और वो अच्छा लगेगा। और मैंने वही किया, मैंने वही किया जो फिल्म में आप देखेंगे, तो मैंने वैसे ही किया है। तो अब मुझे मालूम नहीं, चूँकि बहुत सारे हमारे फिल्मी जगत के बहुत सारे एक्टरों ने ये रोल किया है, और अब मैं, मेरी बारी है, मेरी फिल्म आ रही है, मैं किन्नर बना हूँ, तो अब देखें कैसा होता है, कैसा लोग पसंद करते हैं। देखिए क्या है कि ये किन्नर जो मैं रोल कर रहा हूँ हंसा एक संजोग में, ये विलन नहीं है, ये वो किरदार है किन्नरों का जो मानवीय संवेदनाओं को छूता है, जो एक मनुष्य में जो संवेदनाएं हैं, जो समाज से इग्नोर्ड है, समाज ने उसको कभी भी अपनी परंपरा में शामिल ही नहीं किया, तो उस संवेदना को हाईलाइट किया गया है इस फिल्म में, इस किरदार के जरिए कि कैसे है, और फिर कैसे ये एक किरदार को कैसे तैयार करता है, फिर वो चाहता है कि समाज ऐसे ही आगे बढ़े। किन्नरों का ये विलन बिल्कुल नहीं है, किन्नर वैसा जो आज तक फिल्मों में, काफ़ी फिल्मों में, अधिकांश फिल्मों में किन्नरों को विलन की भूमिका दी जाती है, वैसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही धनात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव किन्नर है, और किन्नरों का जीवन जो है उसको दर्शाता है। हंसा जो नाम है, जो बच्चा जो हुआ है, जो शरद जी के घर में जो बच्चा हुआ है, इनका पोता, वो एक जमींदार हैं और वो पोते चूंकि किन्नर हैं और चूंकि इज्जतदार हैं, तो समाज की जो एक ढांचा है, जो परंपरा है, वो वहाँ से इग्नोर होता है और फिर मेरे पास आता है, और फिर वो मैं कैसे तैयार करता हूँ, तो उसका नाम मैं हंसा रखता हूँ क्योंकि मैं गुरु वहाँ हूँ और मैं उसे तैयार करता हूँ, तो इसलिए हंसा। और एक संजोग है ये कि किसी के घर में इस तरह की उत्पत्ति हो, इस तरह का जन्म हो, इस तरह का प्रजनन हो, तो ये एक संजोग है, इसलिए हंसा एक संजोग। और चूंकि एक अलग ढंग का संदेश भी देने की कोशिश की गई है सिनेमा के जरिए, ऐसा कुछ है। जी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ महेश आनंद के लिए। शरद जी, महेश आनंद जी नहीं रहे, पूछ रहे हैं, हम बिल्कुल श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और बहुत दुख की बात है, बहुत ही अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी उनकी, तो हम दुख व्यक्त करते हैं। ये रोल करने में आपको क्या संदेश देना चाहिए? समाज को मैं ये संदेश, मेरी फिल्म जो है ये संदेश देना चाहती है कि आप इस तरह का भेदभाव नहीं करें, उनका भी जीवन है, वो भी आर्ष ग्रंथों का
कहना है कि पर ब्रह्म ने इतनी सुंदर एक सृष्टि की रचना की, उनकी इस रचना में ये भी एक है किन्नर जैसे मनुष्य है, तो 84 लाख जो योनि है जीवात्मा है 84 लाख में से किन्नर भी है, किन्नर को क्यों अलग करें, नहीं कर सकते। आज बहुत बदलाव है, पूरी दुनिया सिमट गई है, आज परंपराओं का विस्तार हो रहा है, उस रूढ़िवादिता को लेकर हम जी नहीं सकते, वो रूढ़िवाद चूंकि इस तरह से संसार का भी विस्तार हुआ है, सोच का भी विस्तार हुआ है, लेकिन किन्नरों के लिए प्रश्न उठता है मानसिकता को लेकर, मानसिकता बदलनी पड़ेगी क्योंकि ये भी हमारे ही हिस्सा है, हमारे ही घर में जन्म लेते हैं, तो इनको वही अधिकार वही सम्मान वही प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। शरद जी आपका रिएक्शन देखना है इसलिए महेश आनंद जी पे उसका इंतकाल हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? महेश जी, महेश आनंद हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और उनका देहांत हुआ इसका बड़ा दुख है, बहुत अकेले थे वो, उनके पास काम नहीं था, कुछ करने को नहीं था, अकेले अपने घर में रहते थे, बाहर से खाना आ जाता था, खाना खा लेते थे। और मेरा ये कहना है कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो उनके साथ हुआ। सर, लेकिन बॉलीवुड से कोई रिएक्शन नहीं आया, किसी का? हमारी बॉलीवुड साहब ऐसी है, हमारी बॉलीवुड को आपने अच्छा पहचाना है, हम लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है। और सर, एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक नेता जी मिले दिन से मिले पड़ी रही और किसी ने कोई खबर नहीं लिया, किसी ने कॉल नहीं किया, किसी ने जाने के लिए कुछ नहीं की, एक दिन के बाद तक पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। बहुत दुर्भाग्य की बात, सही कहा आपने। आपको क्या लगता है कि 80s और 90s के जो एक्टर हैं बॉलीवुड साइड में, जैसे कि कादर खान के सामने भी यही हुआ, उसका तो महेश आनंद साहब के सामने भी यही हो रहा है, तो उसके क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बोलोगे आप? कुछ नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ जो चढ़ता हुआ सितारा होता है उसी को काम मिलता है, और जो उस रेस में फेल हो गया उसको कोई काम नहीं मिलता, उसको लोग भूल जाते हैं। आपने देखा भी होगा, हमने देखा है, हमारे पुराने ज़माने के काफ़ी कलाकार सड़क पे हमने सिग्नल पे भीख मांगते हुए देखे हैं। बहुत डर लगता है इस बात को सोच करके, इस बात के ध्यान में रखते हुए, ये हमारे उनके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसका बहुत बड़ा कारण है, एक कारण ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक ढांचा है, हम हर बात को की तुलना करते हैं हॉलीवुड से, लेकिन हॉलीवुड से एक तुलना नहीं करते, हर बात को एडॉप्ट करते हैं हॉलीवुड का की, लेकिन हॉलीवुड की वो बात एडॉप्ट नहीं करते जो एक सिस्टम है वहाँ पे, कि हर फिल्म में एक एक टेक्नीशियन एक एक एक्टर ने जो काम किया है उसको ताजिंदगी रॉयल्टी मिले, बेशक वो $1 का ही क्यों ना हो, ताजिंदगी मिले ताकि उसका गुजारा चल सके, अगर उसके पास काम नहीं है तो। ये चीज़ें भारतीय फिल्म जगत में नहीं है कि किसी फिल्म का कोई रॉयल्टी किसी एक्टर को या किसी टेक्नीशियन को दी जाए, क्योंकि वैसा कुछ है ही नहीं। और यही कारण है कि जब एक्टर्स बड़े बड़े टेक्नीशियंस, बड़े बड़े लोग जब उनका इंतकाल होता है तो अचानक पता चला इंतकाल हो गया, और इस हालत में बड़े बड़े सिंगर्स, गीतकार, बड़े बड़े म्यूजिक कैमरामैन, बड़े बड़े एक्टर, तो सेट्स वाले, तो वो ऐसे ही चूंकि रॉयल्टी का कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट है नहीं, कोई पेंशन का सिस्टम है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, और ना ही फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कोई रॉयल्टी का सिस्टम है, रॉयल्टी है नहीं, तो ये भी एक कारण है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होने के कारण इस तरह की दर्दनाक घटनाएं। ट्रेलर लॉन्च हुआ है, फाइनली ये फिल्म बाय गॉड्स ग्रेस सही टाइम पर सही वक्त पर रिलीज हो रही है, इससे बेटर समय हो ही नहीं सकता था, जब गवर्नमेंट ने इतना अच्छा डिक्टेट निकाला है और उसी सही समय पर ये फिल्म भी रिलीज़ हो रही है, आई एम सो ग्लैड। और सुरेश जी ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पर, डायरेक्टर्स हमारे धीरज जी सब ने बहुत मेहनत की है इस पर, एंड फिल्म बहुत अच्छी बनी है, एंड गाने भी बड़े अच्छे हैं इस फिल्म के, ही इज़ आवर मेन प्रोटैगोनिस्ट हंसा, एंड ये मेरे बेटे का किरदार निभा रहे हैं, बट मेरा इनके साथ कोई सीन नहीं है क्योंकि एक ट्रेजेडी हो जाती है, बट ही इज सपोज टू बी माई सन, और इस फिल्म की
सबसे अच्छी खासियत ये है कि एक माँ अपने बच्चे को सपोर्ट करती है और कहती है कि चाहे वो किन्नर हो या कुछ भी हो, मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी. सो आई रियली लाइक माई कैरेक्टर इन दिस फिल्म. आप देख सकते हो ट्रेलर में भी, ट्रेलर में बहुत अच्छे बने हैं. आई हैव ऑलरेडी सीन इट बिफोर, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इस फिल्म के लिए. सर, ये हमसा एक सीन में किन्नरों पे बेस्ड मूवी है जैसा कि आप लोगों को पता ही है, और इस मूवी में मैं लीड रोल कर रहा हूँ एज अ किन्नर जिसका नाम हमसा है. इस कहानी में बस यही बताया गया है कि एक किन्नर जो समाज में पैदा होता है उसको किस तरीके से नकारा जाता है, पहले माँ बाप से, उसके बाद उनकी फैमिली से. जो मेरी माँ मैम बनी हुई है उन्होंने बस मेरा सपोर्ट किया, बाकी किसी का कोई सपोर्ट रहता नहीं है मुझे. तो मुझे किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, मैं कहाँ जाता हूँ, किनके साथ रहता हूँ, कहाँ जीता हूँ, किसी को कोई मेरी फिक्र नहीं होती. मैं अपने दम पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहता हूँ. कुछ अच्छे लोग भी मुझे मिलते हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. बस इसी के ऊपर बेस्ड मूवी है, और जैसे कि गवर्नमेंट ने भी अभी सपोर्ट करना चालू कर दिया है और हर जगह इन लोगों को जॉब के लिए निकल रही हैं सीट्स वगैरह, इलेक्शन लड़ने भी दिया जाता है, हर जगह उन लोग को अप्रोच कर रहे हैं, उन लोग हर जगह नौकरी मिल रही है. तो बस इस मूवी के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि मूवी और आगे बढ़े, इनको और सपोर्ट मिले, और हम इन्हें नकारे ना, हम इनसे डरे ना. वो कोई भूत या पिशाच नहीं जिनसे हमें डरना पड़े, उनके साथ बैठे, खाए पिए, ऐश करें, बस यही चाहते हैं. थैंक यू. क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोग को एक ही नज़र से देखा है हमेशा. फिल्मों में उनका मजाक उड़ाया जाता है, या उनको यू नो जस्ट एक शादी और इसके संगीत में बुलाया जाता है या कुछ ऐसे, लेकिन हमने उनका ये साइड नहीं देखा है. जिस तरह से सुरेश जी ने बहुत इन्होंने रिसर्च करके ये फिल्म बनाई है और बहुत डेप्थ में गए हैं किन्नरों के लाइफ को लेकर, है ना. एंड क्योंकि इन्होंने ज़्यादा शूट किया है इसको लेकर, आई थिंक ही हैज रियली रियली शॉट. अपने यहाँ से शूट किया है, आपने देखा होगा जब वो बात भी कर रहे थे तो यहाँ से कर रहे थे, और हमारे दिल को भी छू जा रहा था उन्होंने जो बोला किन्नरों, किन्नर के सोसाइटी के बारे में. तो आप रास्ते में हाल ही में देखते होंगे आप सब कि एक लाइन से किन्नर खड़े होते हैं, हम उनकी तरफ उंगली ज़रूर उठाते हैं कि ये सही नहीं है ये जो कर रहे हैं, लेकिन उसको हटाने के लिए कितने लोग इसके लिए काम कर रहे हैं. ये फिल्म उसी डायरेक्शन में एक कदम आगे है कि आप चाहते हो कि वो वहाँ खड़े ना हो तो फिर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं, उनको भी समाज में एक दर्जा दें, उनको एक नॉर्मल इंसान की तरह देखें. और अगर हम उन्हें सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो वो भी अपने आप को नॉर्मल ही समझेंगे और नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न भी हो जाएगा, क्योंकि हम उन्हें इस तरह से सुपरस्टिशंस जो उनके इर्द गिर्द बांध के रखा है कि अगर वो ऐसे करेगा तो ऐसे हो जाएगा, किन्नर कुछ बोल देता तो ऐसे हो जाता है. क्यों भाई, वो भी एक इंसान ही है. सो ये सारी चीज़ें लोगों के मन से हटाने के लिए और उनको एक इक्वल दर्जा स्पेशली काम काज को लेके ये फिल्म बनी है. एंड इट्स रियली, और इसके साथ साथ ये फिल्म सिर्फ एक मैसेज के बारे में नहीं, इट्स नॉट जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री और समथिंग, ये बहुत सारा इसमें मसाला है, ड्रामा है, एंड एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी कहानी है जो आप लोग एंजॉय भी करोगे. ऐसे नहीं बोलोगे अरे यार क्या इसमें सिर्फ प्रवचन है, इट्स नथिंग लाइक दैट. एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ साथ एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मैसेज दिया जा रहा है. मदर इंडिया या डेफिनेटली आई वुड लव टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो, लेकिन आई एम हैप्पी. एक आई टेल मी वन थिंग, एक पत्नी के बाद किसका दर्जा सबसे हाई होता है, माँ का ही होता है. और माँ एक हमारे इंडिया में तो माँ को एक बहुत ही अलग स्थान पे देखा जाता है. सो आई एम वेरी रिस्पेक्टेड एंड आई एम वेरी लव्ड बाय माय कंट्री बिकॉज ऑफ बीइंग अ मदर, और ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल दर्जा है. वेरी हैप्पी अबाउट इट. मैं इसे बहुत नीचा नहीं देखती हूँ, मुझे कोई ग्लैमर क्वीन बनने का शौक नहीं है. टेल यू द ट्रूथ, मैं एक्चुअली बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द कैरेक्टर्स आई एम डूइंग. लेकिन येस, आई वॉन्ट टू डू चैलेंजिंग रोल्स. सिर्फ इसमें नहीं अटक के रहना है, चैलेंजिंग रोल्स भी करना है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, जब जिस दिन मुझे मिलेगा आई प्रे आई विल डू दैट ऑल्सो वेरी हैप्पीली एंड विथ ऑल माई हार्ट. थैंक यू. ये तो हमने एक फिल्म बनाई है. अच्छा, बोलना शुरू करूँ?
वन बाय वन बोलते हैं। हाँ, विषय पे हमने फिल्म बनाई है, समुदाय पे हमने फिल्म बनाई है, और उसके विषय में कहना क्या, जो भी है हमारे आपके सामने है सारी चीज़ें, और हमने हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म काफ़ी लोगों तक, हर लोगों तक पहुँचे, ताकि किन्नरों के जीवन को एक सार्थक स्वरूप मिल सके। जो उनका जीवन है निराधार पूर्ण जीवन है, अर्थहीन है, उनके जीवन का कोई अस्तित्व तो नहीं है इस समाज में। तो हमारे फिल्म बनाने का मेन मकसद यही है कि उनको एक अस्तित्व तो मिले इस समाज में, उनका जो अर्थहीन जीवन है उसको कहीं ना कहीं एक सार्थक स्वरूप मिले। इमोशनल फिल्म है, कोई मर्डर नहीं, एक थप्पड़ भी हमारी फिल्म में यूज नहीं हुआ है, एक मतलब सामाजिक अवधारणा पे हमारी फिल्म है। इसमें एक भी मर्डर मिस्ट्री नहीं है, सिर्फ इमोशन और सेंटिमेंट को लेकर हमने फिल्म बनाई हुई, उनके जीवन की सच्चाई को सामने रखा, उनका एक इमोशन जो अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। काफ़ी रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद ही इस चीज़ें पता चली, और जब हम तो रिसर्च में 10 15 20 लोगों से मिला, मगर जब फिल्म सामने आई तो जितने भी किन्नर समुदाय के लोग हमारे साथ जुड़े, सबको लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी ज़िंदगी को टच करती है। हमारी मेरा एक ही उद्देश्य है इस फिल्म को लेके, बनाने का एक ही मकसद है कि हम समाज में एक न्याय चाहते हैं जो इन्हें मिले। इनकी दशा को देख के मुझे बहुत पीड़ा हुई, मैं जब इनसे पर्सनली मिला और जब इन्हें देखा तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, पर मुझे ऐसा लगा कि इनको भी हमारी तरह समाज में एक इज्जत, एक औहदा मिलना चाहिए, और हमने फिल्म के माध्यम से इन्हें इज्जत दिलाने का प्रयास किया है। हमारी आवाज़ सरकार तक भी पहुँचेगी फिल्म के माध्यम से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा, सम्मान ज़रूर मिलेगा, और इन्हें हम जैसे हम अपनी नज़रों से हम अपने फैमिली को देखते हैं, तो इन्हें भी देखा जाएगा, इन्हें भी समझा जाएगा। ये सामाजिक बदलाव के लिए फिल्म है, ये कानून के लिए हमने कुछ नहीं रखा है। समाज में कानून ने तो बहुत चीज़ें, बहुत धाराएं इनके लिए पास हो गई, कानून ने बड़ा इनको सपोर्ट भी किया है, मगर हमारा समाज सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमारी फिल्म का बनाने का मकसद और इसका आउटपुट जो है वो समाज के लिए हो, समाज के लोग इसको समझें, तब हमारा फिल्म बनाने का कहीं ना कहीं से मकसद सार्थक हो। फिल्में तो बहुत बनी किन्नरों के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये फिल्म, क्योंकि अभी तक जो भी फिल्में आई हमने किन्नरों का एक मजाक ही देखा, हमने कहीं सम्मान नहीं देखा जितनी फिल्में हमने अभी तक देखा। हमारी ये पहली फिल्म होगी जो किन्नरों के सम्मान के लिए बन रही है, एक उन्हें हक दिलाने के लिए बन रही है, और उन्हें एक इज्जत दिलाने के लिए बन रही है, और फिल्म के रिलीज़ के बाद उन्हें हक मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। और मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप जितना ज़्यादा मतलब हमारी बातों तक, हमारी बातों को जन जन तक पहुँचाए, तो शायद ये सपना बहुत जल्दी सच हो जाए। अंधविश्वास पे हम बहुत पैसे खर्चा करते हैं, लेकिन जब इनसे हमें दुआ मिलती है और हमारी बददुआ ये अपने ऊपर लेते हैं, तो उस समय थोड़ी देर के लिए हम खुश होते हैं, इनको एक रुपये देते हैं, लेकिन उस समय हमारी सारी भलाई को ये अपने ऊपर लेते हैं और हमें दुआएं देते हैं कि हमारे हम सुखी रहें, हमारे घर में दुख बीमारियाँ नहीं हों, लेकिन उस समय तक ये हमें याद रखते हैं। लेकिन ये फिल्म के रिलीज के बाद ये बदलाव होगा और ज़रूर होगा, ये हमारा मतलब, मुझे पूरी विश्वास है। मैं इस फिल्म को बनाकर बहुत बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसे की चाहत नहीं है,
मुझे चाहत यह है कि समाज के अंदर ये जो एक समाज किन्नर समाज जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको इस समाज ने अलग कर दिया है, जबकि ये हमारे ही घरों में पले बड़े बच्चे हैं, हमारे ही घरों में पैदा हुए हैं और हमारे ही समाज ने इसको दूर कर दिया है। तो हम चाहेंगे कि इस फिल्म को देखकर समाज में कुछ बदलाव आए और किन्नर समाज का जो है लोग सम्मान करना शुरू करें। हम लोग सब लोग बधाइयाँ जरूर अपने घर में इनको बुलाते हैं बधाइयाँ लेने के लिए, अपनी बलाएँ उतारने के लिए, लेकिन हम इनके लिए कोई दुआ का हाथ अपना उनके सर पर नहीं रखते हैं। तो इस फिल्म के बनाने का माध्यम भी यही है, बाकी तो जनता जब फिल्म आएगी तभी देखेगी कैसा क्या होगा। जी जी, बहुत अच्छे अच्छे शरद सक्सेना जी हमारे यहाँ दादाजी के रोल में हैं और उन्होंने ये स्टोरी सुनी तो उन्होंने खुद हाँ की कि मैं इस फिल्म में काम करना चाहता हूँ। शाहजी शिंदे साहब जो है हमारे किन्नर के पापा बने हैं तो उन्होंने भी खुद ही हाँ भरी थी कि मैं इस फिल्म में काम करना चाहता हूँ। वैष्णवी जी माँ बनी है, उन्होंने भी खुद हाँ भरी। तो बहुत ही अच्छी स्टार कास्टिंग है और सब ने बहुत अच्छा रोल निभाया और दिल से किया है काम इसके अंदर, क्योंकि उन सबकी भावनाएँ भी इन किन्नर समाज से जुड़ी हुई हैं, वो भी चाहते हैं कि हम सब समाज जो है इनका सम्मान करें। मैं तो ऑडियंस से यही कहूँगा कि सभी लोग इस फिल्म को बढ़ चढ़ कर देखें और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको समानता का अधिकार दिया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो इनको समानता का अधिकार दिया है उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने फिल्म का निर्माण किया है और आप सब लोग इसे देखें और देख कर जो है इनके प्रति एक सम्मान की भावना अपने अंदर जागरूक करें, इनको भी अपनी समाज धारा में लाएँ, इनको भी एक समानता का अधिकार। ये कहानी उतनी ही जरूरी है जितना हम लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में मेल और फीमेल, बिकॉज ये भी हमारे जिंदगी का एक पार्ट है, हमारी धरती का एक पार्ट है कि ये भी हमारे जैसे ही हैं अगर हम अपने नज़रिए से देखेंगे तो, हमसे अलग बिल्कुल भी नहीं है, तो इन्हें भी उतना ही रुतबा उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितना कि हमें मिलती है। ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको इतना दूर से इस फिल्म के लिए स्पेशली? ऑफकोर्स मुद्दा बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। देखा जाता है कि स्क्रिप्ट क्या कह रही है आपकी, आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और इससे अच्छा मुद्दा मेरे ख्याल से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको उठाने के लिए इंसान के अंदर बहुत गट्स होने चाहिए और ये उन्हीं में से एक है। अगर हम इसको अपने तरीके से देखेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, वरना ये तो वही वाली बात है कि चलो भाई आई और गई, कोई लेना देना चीज़ों से नहीं होता, लेकिन अगर इंसानियत के तौर से देखोगे तो बहुत बड़ी चीज़ है और ऑफकोर्स देखना चाहिए। आपकी फिल्म भी काफ़ी अच्छा कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सबसे पहले तो बहुत सारे थैंक यू करूँगी मैं बहुत बड़ा कि जितने मेरे स्टार कास्ट को, मेरे प्रोड्यूसर को और ऑफकोर्स हमारी ऑडियंस को इतना प्यार देने के लिए मूवी को, और बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू सब ना। बिग बॉस में कितनी लाइफ चेंज हुई है फिल्म में मिलने लगी आपको? जितना आप मुझे देख रहे हो उतनी लाइफ बदल गई, बहुत ज़्यादा बदली है, बहुत ज़्यादा। और ऑफकोर्स कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में मोड़ होते ही हैं, तो बिग बॉस मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मोड़ था, मोड़ है और मोड़ रहेगा हमेशा। आप लोगों के जैसे मैं स्टारडम को मैं मानती ही नहीं कि मैं कुछ हूँ, मैं हमेशा अपने आप को आप लोगों की ही नज़रों से देखती हूँ, जैसे मैं इंसान हूँ आप भी इंसान हैं, बस फर्क इतना है मैं अपना काम कर रही हूँ, आप भी अपना काम कर रहे हैं, आप पसंद करते हैं, दो चार लोग मुझे जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आप जैसी हूँ। सपना जी, शिल्पा जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, कितने खुश हैं आप और कुछ बात हुई उस बारे में? शिल्पा जी का मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे, बीजेपी करे, अभी कुछ ना कुछ मैं तो यही कहूँगी कि करते रहिए अपनी लाइफ में, और मेरी तरफ से शिल्पा जी को बहुत सारी बेस्ट विशेस कि जो भी आप कर रहे हैं आप तरक्की करें। बस क्या आगे चल के हरियाणा से आप चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, आपने कुछ ऐसा सोचा है? मेरे को वोट्स नहीं मिलेंगे, तो इसमें क्या रीज़न है?
नहीं, मेरे को वोट्स नहीं मिलेंगे अगर मैं पॉलिटिक्स में खड़ी होंगी तो इस वजह से मैं अभी इसी काम में अच्छी हूँ। अच्छा, इसके अलावा दीपक भी जिस तरह के बिग बॉस में कहा था कि मैं अपने गांव में श्री शांत को लेकर जाना चाहूँगा, अगर हरियाणा में आपको किसी को लेकर जाना हो बिग बॉस से तो किसे लेके जाना चाहिए? हरियाणा में मैं ही काफ़ी हूँ, इसीलिए कोई नहीं जाएगा मेरे साथ, हरियाणा में मैं ही बहुत हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सुरेश जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि इन्होंने ये मुद्दा उठाया, और जैसे ही मूवी रिलीज हो इसको उतना ही प्यार दीजिएगा जितना कि हम अपने आप से करते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो शायद आपको समझ में आए, क्योंकि मैंने वन लाइनर फिल्म देखी हुई है, और मैं जब इन्होंने मुझे छोटा सा सीन दिखाया था तो उसी के बाद मैं पीछे लग गई, नहीं मुझे वन लाइनर देखना है, नहीं मुझे वन लाइनर देखना है, और वन लाइनर देखने के बाद मुझे सच में एहसास हुआ कि मुद्दा सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि किन्नरों के समाज में और हमारे समाज में अंतर है लेकिन खून तो वो ही है, इंसान वो भी हैं और इंसान हम भी हैं। कहा करते हैं कि जब कोई भी किन्नर पैदा होता है तो उसे समाज से अलग कर दिया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे समाज का ही हिस्सा है, उन्हें भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम अपने आप से करते हैं, दूसरों से करते हैं। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, अगर आप एक नज़रिए से देखेंगे और इस फिल्म को बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि अब आज के टाइम में इंसान के तौर पे मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी हो गया। अपने साथ मैं खुद की वैले चाहिए, आप खाली हैं तो आप चलिए। Thank you so much. Most welcome. Thank you, ma'am. Thank you. Most welcome.